अपमार्जकों को हम अन्य प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे मृदु अपमार्जक और कठोर अपमार्जक। तो मृदु अपमार्जक और कठोर अपमार्जक जो है वो मुख्य रूप से, इसको हम कह सकते हैं अपघटन के आधार पर या बायोडिग्रेडेबल ये है या नहीं है, इस आधार पर इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऐसे जो डिटर्जेंट होते हैं जिनका आसानी से जैव अपघटन हो सकता है, जो आसानी से जैव अपघटित हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये आसानी से अपघटित हो सकते हैं, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट भी कह सकते हैं, मृदु डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। तो प्रायः ये जो मृदु डिटर्जेंट होते हैं ये होते हैं लंबी सीधी श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला वाले जो डिटर्जेंट होते हैं ये आसानी से अपघटित हो सकते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो इसे हम मृदु अपमार्जक भी कह सकते हैं या बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। तो इसके उदाहरण में एल्किल सल्फेट या एथॉक्सिलेट, इस तरह के जो सॉल्ट है वो होते हैं। और कठोर जो डिटर्जेंट होते हैं, ऐसे डिटर्जेंट जो है वो सूक्ष्म जीवों से आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। तो जब ये सूक्ष्म जीवों से आसानी से अपघटित नहीं होते हैं और तो इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो जो कठोर डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि प्रायः जो उच्च शाखीय श्रृंखला वाले जो डिटर्जेंट हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं या कठोर अपमार्जक होते हैं। तो ये जो कठोर अपमार्जक हैं इसका जो प्रयोग है, प्रायः जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, ये शाखीय श्रृंखला वाले डिटर्जेंट होते हैं एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, और यही कठोर अपमार्जक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कठोर अपमार्जक जो है वो सेप्टिक टैंक या जो सीवेज विसर्जन होता है वहाँ पर आसानी से अपघटित नहीं हो पाते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे कि वास्तव में साबुन किस प्रकार से प्रक्षालन करता है या कैसे उसका जो क्लींजिंग है वो होता है, किस तरह से वो कपड़े को साफ़ करता है। तो साबुन को जब हम प्रयोग करते हैं तो वास्तव में गंदे कपड़े को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो गंदे कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर धूल चिपके होते हैं, उसमें तेल या फैट या पसीना ये सब मिलकर एक परत जम जाती है कपड़े के ऊपर। तो जब इस गंदगी को साफ़ करना होता है तो हम साबुन लगाते हैं। कपड़े में लगा हुआ जो तेल है, ग्रीस है, इसको जल में बिना साबुन या डिटर्जेंट के घोलना बहुत ही कठिन होता है। साबुन कपड़े में लगे हुए धूल या ग्रीस या तेल की जो मात्रा होती है उसको ये जल में घोलता है। तेल जनरली जल में नहीं घुलता है, तो ये जो साबुन है वो यहाँ पर एक पायसी कारक की तरह कार्य करता है और ये तेल को जल में घोलने का कार्य करता है। तो कैसे इसकी क्रिया होती है इसे हम समझेंगे। तो जनरली जो धूल है, तेल है, गैसी पदार्थ होते हैं उसके जमा होने पर कपड़े गंदे होते हैं। तो साबुन की संरचना में हम देखते हैं कि इसमें उच्चतर वसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा साबुन का RCOON या RCOK होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि R यानी एक लंबी श्रृंखला है एल्काइल ग्रुप की और COO- और Na+ में ये डिवाइड हो रहा है। मतलब यदि RCOON आयनित होता है तो RCOO- प्लस Na+ में आयनित होगा। तो ये जो RCOO- है इसको हम जानेंगे कि कैसे श्रृंखला जो है किस तरह से ये धूल के कण को चारों तरफ से घेरता है। तो इसमें जो R पार्ट होता है यानी एल्काइल ग्रुप जो होता है लंबी श्रृंखला वाला, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये धूल की तरफ आकर्षित होता है और जो इसका ऋणात्मक पार्ट होता है वो जल की तरफ आकर्षित होता है। यानी यहाँ RCO- को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। यानी एक जल की तरफ आकर्षित होगा और एक जल की तरफ विकर्षित होगा। तो जो इसका आर पार्ट है, जो इसकी लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो धूल की तरफ आकर्षित है, यानी ये हाइड्रोफोबिक हो गया। और जो इसका ऋणात्मक पार्ट है वो जल की तरफ आकर्षित है यानी CO- वाला पार्ट, तो ये फिर हाइड्रोफिलिक हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब गंदे कपड़े पर साबुन डालते हैं या साबुन में गंदे कपड़े को भिगो कर रखते हैं तो स्टीयरेट आयन, जो अगर हम साबुन का एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम स्टीयरेट C17H35CONA, तो C17H35 में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो होगा C17H35 और जो इसका ऋण आयन होगा वो होगा CO-
तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अध्रुवीय होता है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट टेल बनाता है, पूंछ बनाता है, और ये जो टेल है वो ग्रीस या तेल की तरफ आकर्षित है, और जो इसका CO- वाला पार्ट है जो कि ध्रुवीय होता है और ये जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है। तो ये जो CO- है वो हाइड्रोफिलिक है, तो जल के अणुओं की तरफ ये जुड़ गया, जल की तरफ ये आकर्षित हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक धूल के कण या तेल के कण को चारों तरफ से ये जो साबुन के आयनित होने के बाद RCOO- जो था, या अगर हम सोडियम स्टीयरेट का एग्जांपल लेते हैं तो C17S35 वाला जो पोर्शन है, यानी लंबी हाइड्रोकार्बन वाली जो श्रृंखला होती है वो आकर्षित होती है धूल या तेल की तरफ, और जो निगेटिव पार्ट होता है वो आकर्षित होता है जल की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नॉन आयनिक पार्ट होता है या अध्रुवी पोर्शन होता है वो इसका टेल पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और जो ध्रुवी यानी पोलर पार्ट होता है वो इसका ऋणावेशित पार्ट होता है, CO- वाला पार्ट होता है। यहाँ पर जो धूल के कण को चारों तरफ से साबुन के द्वारा घेर लिया गया, तो ये एक मिसेलर तंत्र बन गया, इस तरह से एक मिसेल बना, एक कोलाइड बन गया। जैसा हमने देखा था कि साबुन यहाँ पायसी कारक की तरह कार्य करता है जो कि जल और तेल को आपस में घोलता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मिसेलर तंत्र बन गया। ये जो मिसेल होता है या मिसेल के जो प्रत्येक अणु होते हैं ये चारों तरफ से ऋणावेश से घिर गया, और ऐसे बहुत सारे अणु होंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस कपड़े में एक ही गंदगी के कण हो, कई सारे कण होते हैं तब मिलकर पूरा एक कपड़ा जो है वो ग्रीसी हो जाता है। तो कई सारे जो कण हैं वो चारों तरफ से इस तरह से साबुन के आयनों से घिर जाते हैं, और घिरने के बाद ये यहाँ भी हम देख रहे हैं कि निगेटिव निगेटिव पार्ट इस तरह से है, तो ऐसे ही बहुत सारे मिसेलर तंत्र बने, तो ये एक दूसरे को विकर्षित करते रहेंगे क्योंकि निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकर्षित करते हैं जब ये आयन्स जो है एक दूसरे को, तो विकर्षित होने के कारण ये निलंबित हो जाते हैं उस जल में, जब हम बार बार कपड़े को फिर धोते हैं साबुन लगाने के बाद, घिसने के बाद, और फिर उसको कपड़े को जल में खंगालते हैं, तो ये जो पूरा मिसेलर तंत्र बना है वो एक दूसरे, जितने भी मिसेलर तंत्र के जितने भी अणु बने हैं तो वो एक दूसरे को विकर्षित करते जाते हैं, और इस तरह वो कपड़े का जो पूरा गंदगी होता है वो पानी में घुल जाता है, तो पानी में वो तैरता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से जब वो पानी से बार बार कपड़े को खंगालते हैं तो जितने भी कपड़े के अंदर की गंदगी होती है, तेल ग्रीस होता है, वो पूरा साबुन पानी के साथ बाहर निकल जाता है, और बार बार जब हम कपड़े को धोते हैं तो फिर वो लगातार उसमें से और भी जो कण हैं गंदगी के वो साथ साथ निकलते जाते हैं। तो जब भी कभी हम देखते हैं कि कपड़े को साबुन लगाने के बाद बार बार खंगालते हैं तो इसमें बना हुआ जितना भी मिसेलर तंत्र होता है और जितना भी तेलीय ग्रीसी पदार्थ होता है वो घुल करके, पानी के साथ घुल के वो वापस बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम इसको ये द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार ये मिसेलर तंत्र बना, और इस मिसेलर तंत्र के बनने के कारण पायसीकरण की क्रिया हुई साबुन की वजह से, और साबुन की वजह से ये पायसीकरण हुआ, और इस वजह से जो तेल है वो जल में घुल गया और कपड़ा जो है वो आसानी से साफ हो गया। अब हम डिटर्जेंट के द्वारा जो क्लीनिंग होता है उसके बारे में जानेंगे कि वह किस प्रकार से होता है। तो लगभग उसी के जैसा है जैसे साबुन के लिए हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उसका जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कपड़े में उपस्थित जो तेल है उसके साथ घुलनशील हो जाएगा। जैसा हमने साबुन में भी देखा था कि जो R है लंबी श्रृंखला वाला वो धूल के कण के साथ चिपक गया, तो वैसे ही ये भी चिपक जाता है, और शेष जो भाग है डिटर्जेंट का यानी R के अलावा वो घुल जाता है जल में। तो यहाँ पे जल और तेल के मध्य एक पायस बना, डिटर्जेंट की क्रिया में भी जल और तेल को घोलने का कार्य डिटर्जेंट करता है, और इनके घुलने की वजह से एक झाग उत्पन्न होता है। तो जो जल है तेल है उसके अणुओं के बीच जो है पृष्ठ तनाव बहुत ही कम हो जाता है, और बार बार रगड़ने पर जो कपड़े में उपस्थित जो गंदगी है उसके कण पायस के साथ मिलकर, यानी यहाँ पर तेल और जल का एक पायस बन जाता है, और ये गंदगी को लेकर कपड़े से बाहर निकल आता है। तो यानी डिटर्जेंट जो है वो यहाँ पर पायसी कारक की तरह कार्य करता है, और पायस का निर्माण होता है, और इस तरह से कपड़ा बार बार जल में खंगालते जाते हैं
तो सफाई होती जाती है। तो यहाँ भी एक मिसेलर तंत्र बनता है, जब भी डिटर्जेंट में सफाई की क्रिया होती है डिटर्जेंट के द्वारा, तो यहाँ भी साबुन के समान ही मिसेलर तंत्र का निर्माण होता है और इस तरह डिटर्जेंट पायसी कारक की तरह कार्य करता है। अब हम डिटर्जेंट के कुछ गुण के बारे में जानेंगे। जैसा हमने देखा कि डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में भी प्रयोग किया जा सकता है और मृदु जल में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार से अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं। तो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयनों के साथ ये अघुलनशील अविलेय लवण नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये कठोर जल में भी आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। डिटर्जेंट का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है, और डिटर्जेंट बिना किसी कपड़े के रेशे को ख़राब किए उस पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी कपड़े के रेशे या उसके रंग को, उसकी गुणवत्ता को ये प्रभावित नहीं करता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इसका प्रयोग बहुत अच्छे से हो सकता है। तो कपड़ों की सफाई में डिटर्जेंट का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, जिससे कपड़े के जो रेशे हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि ये उस पर चिपक कर किसी प्रकार का अघुलनशील लवण नहीं बनाता है, तो आसानी से ये कपड़े का रंग भी बना रहता है, कपड़े की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जो संश्लेषित डिटर्जेंट होते हैं, ये जो संश्लेषित डिटर्जेंट होते हैं ये साबुन की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं। तो साबुन जो है वो कम घुलनशील होता है, और ये साबुन की तुलना में झाग भी अधिक देते हैं। डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जैसा कि हमने साबुन में देखा कि साबुन आसानी से जैव अपघटित हो सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट आसानी से जैव अपघटित नहीं होते हैं। प्रत्येक प्रकार का जो साबुन है, यानी साबुन में ये माना जाता है कि 100% जो साबुन है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डिटर्जेंट 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। उसमें भी हमने दो प्रकार देखा था, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में ही आएगा। अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये जो संश्लेषित डिटर्जेंट है बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो हमने गुण में देखा कि अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है साबुन की तुलना में कई जगह अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी छोड़ते हैं। सबसे पहला यही है कि ये अजैव निम्नीकृत होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, और इसके अपघटित नहीं होने का कारण जो है वो इसका जो लंबा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की शाखा है, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जो शाखा होती है, जो सल्फोनिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल समूह का जो लवण है सोडियम लवण, ये होता है उसके साथ ये जुड़ी होती है, और इसी लंबी श्रृंखला यानी शाखीय श्रृंखला वाले जो लवण हैं इन्हीं की वजह से ये आसानी से जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। तो जैसा कि हमने उदाहरण में भी देखा कि इस प्रकार के जो लंबी श्रृंखला वाले लवण होते हैं सोडियम के, तो ये आसानी से जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, और ये जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं उसके उदाहरण में हम देख रहे हैं सोडियम 4-1-3-5-7 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन। तो यहाँ हमने देखा कि सोडियम 4 और पहले तीसरे पांचवें सातवें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 मिथाइल ग्रुप, और उसका एक सोडियम लवण बना, तो ये जो है वो आसानी से जैव अपघटित नहीं होते हैं। ये इस प्रकार के जो डिटर्जेंट होते हैं वो बहुत अधिक जल प्रदूषण फैलाते हैं। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होते हैं इनके जो फॉस्फेट लवण होते हैं वो एल्गी का तेज़ी से विकास कर देते हैं, तो जब वो एल्गी का तेज़ी से विकास कर देते हैं तो इस तरह से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जलीय जीवों का जो जीवन है वो प्रभावित होता है। तो इस ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवन जो है वो प्रभावित होता है, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जलीय जीव मरने लगते हैं। इस वजह से आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की शाखा को नियंत्रित करके कुछ डिटर्जेंट को बनाया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ऐसे डिटर्जेंट बनाए जाएं जिसमें हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसको कंट्रोल कर सके, उसको निम्न रखा जा सके। जब वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला निम्नीकृत रहेगी, कम रहेगी, अशाखित रहेगी, कम से कम शाखाएं होंगी, तो वो आसानी से जैव निम्नीकृत हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ जो डिटर्जेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, इस तरह के डिटर्जेंट में किस किस तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो सोडियम लोराइल सल्फेट है, सोडियम डेडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट जो होते हैं ये आसानी से जैव निम्नीकृत होने वाले अपमार्जक होते हैं। अब हम एक प्रश्न देखेंगे कि ग्लिसरील ओलिएट और ग्लिसरील पॉमिटेट जो है उससे जब साबुन बनता है तो उसका रिएक्शन किस प्रकार का होगा।
तो ग्लिसरील पॉमिटेट का जो सूत्र है C15H31COO और यहाँ होल 3C3H5। ग्लिसरील ओलिएट का फॉर्मूला है C17H32COO होल 3C3H5। तो इसी तरह का हम दोनों का सूत्र देख लिए। जैसा हमने पहले देखा था कि उच्चतर जो वसीय अम्ल होते हैं उस पर क्षार की क्रिया कराई जाती है, क्षार की क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है और साथ ही ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो सेम उसी तरह का रिएक्शन हम देखेंगे कि यदि ग्लिसरील पामिटेट लेते हैं या ग्लिसरील ओलिएट लेते हैं तो CH2OCO C15H31, फिर इसके बाद CHOCO C15H31 CH2OCO C15H31। ये जो है इस पर क्षार की क्रिया हुई, 3NaOH के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो बनता है CH2OH CHOH CH2OH बना और सोडियम पामिटेट बना। तीन अणु बने सोडियम पामिटेट के C15H31COONa। तो ग्लिसरॉल पामिटेट से सोडियम पामिटेट किस प्रकार से बना उसके रिएक्शन को हमने इस तरह से देखा। इसके बाद यदि ग्लिसरॉल ओलिएट लेते हैं तो ग्लिसरॉल ओलिएट पर क्रिया कराते हैं क्षार की, ग्लिसरॉल ओलिएट का फॉर्मूला होगा CH2OCO C17H33 CHOCO C17H33 CH2OCO C17H33 प्लस 3NaOH। तो इस पर अब रिएक्शन हो रहा है तो बनता है ग्लिसरॉल ओलिएट से का जो सोडियम लवण है वो तैयार होगा। तो इसके भी तीन अणु बने C17H33 COONa, यहाँ पे तीन अणु बना और साथ ही ग्लिसरॉल बना CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह से ग्लिसरील पामिटेट या ग्लिसरील जो ओलिएट है इसकी सहायता से साबुन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से हमने दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में कुछ विशेष बिंदुओं को देखा। इसमें आने वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत आसान होते हैं और अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो इसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं और जो सूत्र है उसको आपको बार बार देखना है और सूत्र को भी थोड़ा सा ट्रिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप सूत्र को पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि किस तरह की संरचना बनी हुई है, कैसे उसको जोड़ रहे हैं, किस तरह के लवण बन रहे हैं, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि जो इसका ड्रग्स वाला पार्ट है यानी दवाइयों वाला जो पोर्शन है उसमें ही ज़्यादा रिएक्शन है, ज़्यादा उसमें सूत्र हैं, तो उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हमारे लिए बहुत ही एक उपयोगी चैप्टर है जिसको हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं।